ठीक है, तो 2.5 अपॉन 12 ये आ जाएगा 250, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत डिफिकल्ट भी है, समझना ढंग से। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले समझे तो सही। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैश और गुड्स और असेट्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में जो भी वो अपने रिसोर्सेज लगाता है, वो कहलाती है कैपिटल। क्लियर है बात? जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, वैसे हम पार्टनर को, उसके प्रोपराइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट है जो अपन को लिखना है। फर्स्ट, राइट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, राइट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, लिख लिया सबने? सेकेंड, इफ पार्टनर कैपिटल, नहीं वापस लिखो, इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हैव गिवन, इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हैव गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकालना है? ओपनिंग पे निकालना है। और अगर क्लोजिंग दे रखा तो फिर ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते। ठीक है, थर्ड, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, नो नीड टू कैलकुलेट। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, दो पढ़ा ना अपने, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बिकॉज इन दिस सिचुएशन बिकॉज इन दिस सिचुएशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल रिमेन सेम। पढ़ा अपन कि जो बाई बैलेंस वीडियो होता है, वही टू बैलेंस वीडियो होता है, क्योंकि एक दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और एक करेंट अकाउंट। तो जो कैपिटल का बैलेंस शुरू में होता है, वही कैपिटल का बैलेंस आखिरी में होता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या पहले? कि अगर कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वही ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग,
फ्लक्चुएटिंग, वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एज फॉलोज, एज फॉलोज। कैसे निकालनी होती है ये लिख लो। पार्टनर है एक्स वाई, क्लोजिंग कैपिटल एड, ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट, इट विल कम आउट ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट, अगर किसी क्वेश्चन में लॉस दे रखा तो उल्टा करेंगे, यानी एड लॉस, इट विल कम आउट ओपनिंग कैपिटल। पॉइंट क्लियर है? ये उसी पॉइंट का अपोजिट है जो अपन ने 11th में बैलेंस शीट में किया। देखो बैलेंस शीट में क्या किया था अपन ने, क्योंकि वहां पर ओपनिंग कैपिटल दे रखे थे, हमने क्या किया था, नेट प्रॉफिट को प्लस, ड्रॉइंग्स को लेस। अब अपन ने उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि अब अपने पास क्लोजिंग दे रखा तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो जिसको ऐड करते हैं उसको लेस, जिसको लेस करते हैं उसको ऐड। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, टू बी कैलकुलेटेड ओपनिंग कैपिटल एंड टू बी अलाउड, एंड टू बी अलाउड इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज, एंड टू बी अलाउड इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉस। वापस बोलता हूं, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अभी समझाऊंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड टू बी अलाउड इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज, टू बी अलाउड इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज। समझना पहले, वापस बोलो जहां तक तुमने लिखा, अलाउड अलाउड टू द पार्टनर इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज, इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज। अब समझो, सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दो चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हम इसको खर्चा मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। अब खर्चे की, खर्चे का नेचर क्या है, एक्सपेंस का नेचर क्या है, कि हम किसी को सैलरी देना हो तो रेंट देना हो तो देते ही हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, मकान मालिक को किराया देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ेगी चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंसिस में क्या होता है,
कि अपन को चाहे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, अपन को तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ठीक, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन दिस इज टू बी अलाउड इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेस, कि फर्म को लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ये आता है कि ये बात समझ में आई क्या? अब अगर लॉस के केस में भी देना है तो सारे एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं, किसके? पीएनएल। दो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जब ये अपन एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, तो हमेशा पीएनएल में शो करते हैं। अब इसी में एक लाइन आगे लिखो, जहां लिखा ना इवन फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेज, इसी में आगे लिखो दिस इज द रीजन वाई इट इज शोन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन वाई इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी किसी चीज के लिए दे रखा है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर। मेरी बात क्लियर है सबको? अभी तक मैंने पांच पॉइंट लिखे हैं पहले, क्योंकि अगला वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले इस पांच पॉइंट को देखो, इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूं। मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन दो ट्रीटमेंट देते हैं, या तो हम उसको खर्चा मान लेते हैं या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो है कि जब अपन इसको एक्सपेंस मान लिया, ठीक है, अगर अपन ने इसको खर्चा मान लिया तो खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो खर्चे ऐसे कैसे शो करते हैं, चाहे कितना भी खर्चा हो उससे प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है तो आ जाता है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। जो अपन ने किसी की सर्विसेज ली है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा चाहे लॉस। तो मैंने लिखा है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे एज एक्सपेंस, और पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना अपन कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ वो सब करेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा आगे तो अपन बताएंगे। अभी तो अपन ने ये बताया कि जितना ड्राइंग दे रखा है उसको क्या करता है, जितना प्रॉफिट दे रखा है उसका क्या करते हैं, और कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जो बहुत डिफिकल्ट है और ढंग से समझना है और कंसंट्रेट करना है। लिखो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड इज नॉट टू बी अलाउड when there is insufficient profit, when there is insufficient profit। ये लाइन वापस बोलो, ये लाइन बोलो वापस, अरे बोलो।
अरे तुम लोग रिपीट करो, मैं इसमें कुछ मिस कर गया इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। वेन देर इज इनसफिशियंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट पूरा नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, या फिर लॉस आ रहा है तो लॉस को अपने P&L अप्रोप्रिएशन में आता नहीं है तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन तभी देंगे जब सफिशियंट प्रॉफिट हो, ठीक है। अब आगे सेकंड पैरा, इसी के आगे एक पैरा लिखो। इफ इफ इंटरेस्ट ऑन इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड एज वी हैव कैलकुलेटेड, एज वी हैव कैलकुलेटेड विल नॉट बी अलाउड एज वी हैव कैलकुलेटेड, एज वी हैव कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, सॉरी इसको वापस लिखो, ये लाइन वापस लिखो। अवेलेबल नेट प्रॉफिट, इसकी जगह लिखो अवेलेबल नेट प्रॉफिट, अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर, अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल नॉट बी, अरे यार वापस, अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। हाँ अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेम टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेम टू बी ट्रीटेड, सेम इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो मैंने छठा पॉइंट लिखा है इसको 3 बार पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं इसको एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ो जल्दी से। ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डाल दिया उनको। वो क्या नवीन के कारण नवीन ज्यादा कोई हाँ तो लगा तो मैंने वो दे हाँ ये थोड़ी ऐसी बोल हाँ
पास में नवीन और रमेश। मैं करो ना दोस्तों, करने दो। बिल्कुल सही, अपन लाइफ में ही है। अभी आप अभी 11 से आप आओ, अपन 11:30 बुलाते हैं फिर। अभी अभी करो ना, फिर ऑनलाइन क्लास है अपना है आपको, फिर मैं। हेलो हाँ भाई, पढ़ लिया सबने 3 बार? अब देखो, मैंने ये कहा था कि इसमें जो 6 वाला पॉइंट है वो थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल कि अपने पास दो पार्टनर हैं, ये पी और क्यू दो पार्टनर हैं, और इनकी कैपिटल दे रखी है अपने पास 80,000 और 50,000, ठीक। और लिखा है कि साहब अपन इनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, लेकिन अपने पास जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट है वह है अपने पास 7,800। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 10% ऑफ 80,000, 8,000 ये किसका हो गया, पी का, क्यू का कितना हो गया 5,000। तो टोटल जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 13,000, और प्रॉफिट है अपने पास 7,800, तो 7,800 में से 13,000 दे सकते हैं क्या अपन? तो ये इससे क्या हो जाएगा कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैंने ये लिखाया कि इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो अपन ने कैलकुलेट किया ये तो अपन नहीं देंगे। क्या करेंगे कि जो अपना अवेलेबल प्रॉफिट है, कितना अवेलेबल है उसको अपन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब कैपिटल का रेशियो क्या आ रहा है, 8 और 5, 8:5 हो गया। भले ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2 है। अब 3:2 का याद नहीं करेंगे अपन, मैंने यही लिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड एज वी हैव कैलकुलेटेड, जो अपने कैलकुलेट किया ये तो नहीं देंगे अपन, पर जो अवेलेबल प्रॉफिट है
उसको अपन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो अब अपन प्रॉफिट होता तो आगे जाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ दिव्यांश बोलो। दिव्यांश अगर अभी है ही नहीं जनरल लेजर तो क्या करें? अरे तो क्वेश्चन में देगा तो बनाएंगे, नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे? तो अपने पास प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट तो है अपने पास 7,800। अब इसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे और मैंने ये लिखा था कि सेम टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के रेशियो में होगा वही उनका प्रॉफिट होगा, वही उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अपन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू। कैसे देंगे? 7,800 इंटू 8 अपॉन 13 और 5 अपॉन 13। 13 से 6 ये आ गया 4,800, 6 ये आ गया 3,000। ये इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो ये समझ आया क्या? पहले क्या है 7,800 इंटू 8 अपॉन 13, तो 1,300 बार कट गया इंटू 8, 4,800। 7,800 इंटू 5 अपॉन 13, 13 कैसे आया था पता है? 8 और 5 अगर रेशियो है 8:5, तो इसका मतलब हो गया कि अगर कुल 13 रुपए है तो 13 में से 8 एक को मिलेंगे, 5 एक को मिलेंगे, तो 8/13 5/13 हो गया। क्लियर है? ये तो तब है जबकि अपन ने इसको प्रॉफिट, ये अपन ने ट्रीट किया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लिखा होता दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस तो क्या करते? तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हम लोग, तो फिर हम क्या करते? ये अपना पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट का बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस बीडी 7,800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू 13,000। देखो फिर समझना है दो चीजें अलग अलग है। ये जब प्रॉफिट का जब अपन मानेंगे कि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, और जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन जब लिखा है कि ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कहां ले जाते हैं? एप्रोप्रिएशन में। अब यहां पर पूरा देंगे और पूरा देने से लॉस भी जनरेट होगा तो लॉस को बियर करेंगे दोनों पार्टनर, तो यहां पर लिख देंगे बाय लॉस। ये हो गया अपने पास 13 माइनस ये आ जाएगा 5,200। ये पी में और क्यू में। अब इनका 5,200 कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? गलत, वो कैपिटल रेशियो है। प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ऊपर देखो 3:2, यानी जो सभी प्रॉफिट और लॉस होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है। पर ये तो एक अलग कंडीशन थी कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो अवेलेबल प्रॉफिट को अपन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं जब वो उसको प्रॉफिट मानते हैं। यहां तो अपन ने एक्सपेंस माना, तो एक्सपेंस से जो लॉस जनरेट होगा तो लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, तो यहाँ 3:2 में शेयर कर देंगे 3/5 5,200 5 से 1 0 4 0, ये आ जाएगा 3120 पी का, और क्यू का हो जाएगा 2/5 तो आ जाएगा 2080। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो समझ आया क्या? क्या हाँ दे रखा ना ऊपर क्वेश्चन, देखो अभी इसमें भी दे रखा ना, 3:2 जब भी क्वेश्चन होगा उसमें दे रखा होगा।
देखो ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया क्या? करें क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमेशा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट हमारे लिए इनकम होती। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन नंबर निकालो 20 से। प्रॉफिट टू में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। चलो पहले वो कर लो पहले, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना, अभी तुम्हें समझने में टाइम नहीं है। पहले इजी वाला क्वेश्चन है था कि एक बार समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखते हैं, क्योंकि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी। 26 एबी पास रेशियो 3:2 देयर फ्लक्स वर्किंग कैपिटल ऑन 31st मार्च 160 एंड 140 ऑफ एबी। मिल गया क्वेश्चन? अब क्या हो गया आवाज को? पहले कैपिटल दे रखी है अपने पास, पहले पढ़ लो क्वेश्चन 26, मैं भी अपनी किताब पास ले लेता हूँ। फर्म कैपिटल दे रखी है ए और बी की 1,60,000 1,40,000। मिल गई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? अब ये कह रहा है कि दे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच, और दोनों ने 10-10 हजार पे 30-30 हजार पे ड्रॉइंग्स किया। अब लिखा है एज पर पार्टनरशिप डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल और द गिवन कैपिटल ऑफ पार्टनर देयर प्रॉफिट वर 90,000। तो मैंने बताया था कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो अपन को क्या निकालनी पड़ती है, पहले ओपनिंग कैपिटल। ए बी क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल 160 140, थर्टी थाउजेंड 190 170 और प्रॉफिट दे रखा है 90,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2 ये आ जाएगा 54,000, 36,000 ये बच जाएगा सिर्फ 3,136,000 4,3,134,000। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इसका कितना परसेंट दे रखा है, 10%, 10% 13,600, इसका 13,400। कर लो यहाँ तक, चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे।
ये पहले जल्दी कर लो, ओपनिंग कैपिटल और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा ना 30,000 ईच, 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, ड्रॉइंग दे रखा है। ओके हो गया सबका।